हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विनीत और मैं आपका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल यू एंड मी के अंदर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम हर वीडियो के माध्यम से आपके लिए कोई ना कोई वास्तु का उपाय बताते हैं, जिससे आप अपने घर के, अपने ऑफिस के वास्तु दोषों को दूर कर सकते हैं। और आप देखेंगे हर वीडियो में हम आपके लिए कोई ना कोई सोल्यूशन लेकर आते हैं दोस्तों, चाहे वो सोल्यूशन आपके रोजगार को लेकर होता है, व्यवसाय को लेकर, पारिवारिक अनबन को लेकर होता है, या फिर पैसे फंस जाते हैं, दिक्कत वगैरह है, रोजगार को दिक्कत है। तो हर वीडियो में हम कोशिश करते हैं कि आपके लिए कोई ना कोई सोल्यूशन बताया जाए, क्योंकि वर्तमान समय में इंसान बहुत सारी समस्याओं का सामना करता है। तो दोस्तों, हमारे चैनल के बने रहिए, नए नए उपाय जानिए और अपनी समस्याओं का समाधान कीजिए। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे शनिवार का एक छोटा सा उपाय, क्योंकि दोस्तों इच्छाएं हर एक इंसान के दिल में होती हैं। तो अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए एक इंसान विभिन्न प्रकार के उपाय करता है, विभिन्न प्रकार के काम धंधों पर लगा रहता है कि अपने सिर्फ अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए। तो एक छोटा सा उपाय आज मैं भी आपको बताता हूं, यदि आपके मन में कोई इच्छा है तो इच्छा पूर्ति के लिए आपको यह उपाय अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, शनिवार के दिन का यह उपाय है। करना क्या दोस्तों आपको शनिवार के दिन, दोस्तों जब भी आप खाना बनाएं तो खाना बनाने के बाद पहली रोटी तो आप गाय के लिए अवश्य निकालते होंगे, जैसा कि हम पहले बताते हैं कि पहली रोटी हमेशा गाय के लिए निकालें, क्योंकि गाय में सभी देवताओं का वास माना जाता है। और अगर गाय देव माता रानी आपसे खुश हो जाती है तो अवश्य ही आपके ऊपर असीम अनुकंपा बरसेगी। तो दूसरी रोटी दोस्तों, आप दूसरी रोटी हमेशा कुत्ते के लिए अवश्य निकालें, कुत्ते के लिए अवश्य निकालें। और शनिवार के दिन दोस्तों सरसों का तेल लें, कुत्ते के लिए जो आपने रोटी निकाली उसको अच्छे तरीके से घी से ना चौपड़ लगा के उस पर तेल से उसको लगाए, तेल लगा दे उस रोटी के ऊपर, पूरी बनाए तो पूरी के ऊपर लगा दे, रोटी बनाए तो रोटी के ऊपर लगा दे, तेल लगा के और फिर काले कुत्ते को अवश्य खिलाएं। अगर आप संभव हो सके तो घर में घी का दिया अवश्य जलाएं, अगर आप घी ना जलाना चाहें तो दूसरा, अगर आप सरसों के तेल का दिया भी अगर शनिवार को अपने घर में लगाते हैं या पीपल के पेड़ के पास लगाते हैं तो अवश्य ही बहुत शुभ माना जाता है। दोस्तों, तो अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए जिस शनिवार को आप यह छोटा सा उपाय, काले कुत्ते को रोटी डालना, सरसों का तेल लगा के और सरसों के तेल का दीपक जलाना या घी का दीपक अपने घर में लगाते हैं तो सरसों का तेल का दीपक आप अवश्य पीपल के पेड़ के पास लगा दे, नहीं तो फिर घर में अवश्य लगा दे। तो अगर ये छोटे छोटे उपाय कर देते हैं तो अवश्य आपकी इच्छा के जो उसकी अवश्य ही पूर्ति होगी और आपकी इच्छा ही जो मन में भी आपकी इच्छा है वह अवश्य ही पूरी होगी। दोस्तों, तो छोटे से उपाय से भी आप बहुत बड़ा कार्य कर सकते हैं। और भी लोगों तक हमारी बात पहुंचाने के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप भी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने को कहें। धन्यवाद।